एक लफ्ज आके नहीं बोलना शहू, मैं तुम्हें कोई सफाई देने की पाबंद नहीं, मगर फिर भी बता दूं, ये खबर आज ही सबने सुनी और तुम आके मेरे सामने खड़ोगे हिसाब किताब कर रहे हो, अपनी खिदमतों और मोहब्बतों का मुझसे साफ वसूल कर रहे हो, तो एहसान जता रहे हो मेरे पर। और अगर मुझे ये बात पहले से मालूम भी थी तब भी मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस बच्ची को तुमने मुजरिमों के कटहरे में लाके खड़ा किया है उसकी गम और खुशी को जानने के तुम सरोकार नहीं हो। और एक बात कान खोल कर सुन, जब तक तुम्हारे पास इस बात का सबूत नहीं मिल जाता मेरे सामने तुम आओगे नहीं, इसीलिए तुम यहां से चले जाओ इसी वक्त और अभी। लेकिन अम्मा मेरी, बस तुम कुछ भी कहने का हक खो चुके हो शहूद, वहां से चले जाओ और अब सिर्फ और सिर्फ उन तमाम इल्जामात की सफाई लेकर आओगे, साबित करो उन इल्जामात को, इसके अलावा कोई बात नहीं करना मुझसे, चले जाओ यहां से जाओ। माँ पानी पी, नहीं पीना मुझे पानी, अम्मा आप मुझसे नाराज हैं, कोई गलती हुई है तो माफ कर दे मुझे पानी, कह दिया ना नहीं पीना मुझे पानी, ले जाओ यहां से, आप मुझे माफ कर देना अम्मा, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? माँ आप रुशना के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखे ना। मैं अब तुम्हारे किसी भी मामले में नहीं बोलूंगी, समझी? तो तुम जानो और तुम्हारा मियाँ जाने, करो जाके अपनी बेटी का जो कुछ करना है तुम्हें, क्योंकि मैं तो दुश्मन हूँ तुम लोगों की, मैं तो हमेशा बुराई चाहूंगी। अल्लाह ना करे अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप, मेरी बेटी पहले आपकी पोती है और शहूद तो रुश्ना पे मुझसे ज्यादा हक आपको देते हैं। देता था, अब नहीं देता, अब तो वो मुझे समझता है कि मैं तुम लोगों की दुश्मन हूँ, फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं तुम लोगों के लिए अच्छाई करती रहूं, ऊपर से इल्जामात सारे मेरे ऊपर लगे। अम्मा आपको गलतफहमी हुई है, और शहूद ने अगर गुस्से में कुछ कह दिया ऐसा जो आपको बुरा लगा है तो मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, मैं उनको समझाऊंगी। अम्मा पानी में लाठी मारने से पानी थोड़ी अलग हो जाता है, शहूद आपकी औलाद है, रुशना आपका खून है। अम्मा अम्मा प्लीज मेरी बेटी का उछड़ा हुआ घर बसा देना, अम्मा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रुश्ता की उजड़ी जिंदगी बसा दे अम्मा, उसका घर बस जाए, हम आपके अलावा कोई नहीं है जो साथ दे सके। ये क्या ड्रामा कर रही हैं अम्मी, अब इतना अच्छा रिश्ता बताया रशीदा वाला ने, आप उनसे बात करें ना, उसकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। अच्छा अच्छा मैं बात कर लूंगी रशीदा से, बुलाऊंगी उसको। अम्मा को मुझे अपने हाथ में रखना होगा, एक बस यही है जो रुशना के लिए रिश्ता ढूंढ सकती है।